जिसको दिक्कत है वो पाकिस्तान जाए, जिसको हिंदुस्तान से दिक्कत है पाकिस्तान जाए, पर यहाँ जय श्री राम हो। मध्य प्रदेश में एक छात्र को जय श्री राम का नारा लगाना भारी पड़ गया। दरअसल मध्य प्रदेश के बुढ़ार जिले के ग्रीन्स बिल्स पब्लिक स्कूल में एक छात्र को जय श्री राम का नारा लगाने पर एक शिक्षक ने पीट दिया। तू ये अभी मेरे को पंकज भैया से सूचना मिली, अभी मैं यहाँ आया हूँ, सूचना यह है कि किसी बच्चे को जय श्री राम के नारे बोलने में हाथ लगा दिया गया, मार दिया गया। तो ऐसी स्कूल की मान्यता तत्काल रद्द कर दी जाए। ये हिंदू राष्ट्र है, यहाँ अपना नहीं चलने वाला, यहाँ जय श्री राम होगा और हर स्कूल में भी जय श्री राम अब पढ़ना पड़ेगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अगर नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ा दिया जाएगा अच्छे से कि जय जय श्री राम कैसे होता है और हनुमान चालीसा कैसे होता है और राम जी की स्तुति कैसी होती है। ये हिंदू राष्ट्र है, यहाँ किसी का नहीं चलेगा। स्कूल की मान्यता तत्काल रद्द की जाए, हमारी मांग है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जानकारी प्राप्त हुई है कि ग्रीन बेल्ट स्कूल बुढ़ार में कक्षा 7 के पढ़ने वाला नैतिक गुप्ता पिता श्री राजेंद्र गुप्ता, जिसके बच्चे को जय श्री राम के नारे लगाने पर ग्रीन बेल्ट के जो शिक्षक हैं अब्दुल वाहिद नाम करके, उन्होंने इस कदर पीटा है कि बच्चा बोलने लायक की स्थिति में नहीं है। बाद में वो अपने घर पहुँचा है, घर में अपनी जानकारी दी है, तो सभी संगठन जितने भी हैं और हमारे पसंदन समाज के सभी लोग यहाँ पर अभी TI साहब के पास आए हैं और आरोपी के ऊपर प्रथम सूचना प्रतिवेदन जो है दर्ज हो रही है, FIR दर्ज हो रही है और पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के प्रशासन से मेरा निवेदन है कि ऐसे सभी स्कूलों पर जांच की, मतलब जहाँ भी ऐसे कृत्य अगर होते हैं तो उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और चाहे वो जिला शिक्षा अधिकारी हो, कलेक्टर साहब से भी, माननीय कमिश्नर जी से, ADGP से जी से भी मेरा निवेदन है कि इस केस को अपने संज्ञान में लें और जो भी यहाँ पर आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हमेशा ही ग्रीन बेल्ट सुर्खियों में रहता, क्या पूरा मामला पूर्व में भी कुछ आया था? पूर्व में कई वर्ष पहले भारत के नक्शे के ऊपर से कश्मीर ही गायब कर दिया गया था। स्कूल की मान्यता रद्द की जाए सीधे एक है, क्योंकि ये ग्रीन बेल्ट हमेशा विवादों से घिरा है। स्कूल की मान्यता तत्काल रद्द करवा दी जाए, प्रशासन से सभी प्रकार से हमसे यही निवेदन। घटना के बाद हिंदू संगठनों ने स्कूल के खिलाफ FIR दर्ज कराई। जानकारी के अनुसार स्कूल में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था, उस दौरान छात्र ने जय श्री राम का नारा लगा दिया। इससे गुस्साए शिक्षक ने छात्र को मंच से नीचे बुलाकर उसकी पिटाई कर दी। छात्र के चेहरे और शरीर पर चोटें आई। घटना की जानकारी मिलते ही हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता स्कूल पहुंच गए। उन्होंने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। इसके बाद पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ धारा 153 और धारा 323 और किशोर न्याय अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज किया। इस पर तत्काल जो है FIR दर्ज की गई है और जो आरोपी है गिरफ्तारी भी की जा रही है। मामले में जो भी प्रक्रिया वैधानिक प्रक्रिया है उसको पूर्ण करके जो भी कड़ी कार्रवाई है की जाएगी। कौन कौन सी धारा लगी सर? जिला शिक्षा अधिकारी क्यों नहीं आ रहे? इसमें धारा 53 लगी है, 23 लगी है, 500 लगी है और धारा 75 और 82 रिजेक्ट लगा हुआ है। किस बच्चे के साथ मारपीट हुई है? क्योंकि बच्चा नाबालिग है, उसका नाम हम लोग करते हैं। मामले में स्कूल प्रबंधन का कहना है कि शिक्षक ने गलती की है, उसे निलंबित कर दिया गया है। शहडोल से हमारे रिपोर्टर जुगल किशोर मिश्रा की रिपोर्ट। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ।